मधुबनी जिले में मिथिला वाहिनी लगातार मिथिला की संस्कृति भाषा को बचाने उसके संरक्षण संवर्धन और उसे आम जन के बीच जागरूक करने की दिशा में कार्य कर रही है। साथ ही आम जनमानस को होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु भी प्रयास करती है। इन सब विषयों के साथ ही संगठन के अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में आज शुक्रवार को मिथिला वाहिनी के झंझारपुर जिला इकाई की बैठक हनुमान मंदिर प्रखंड कार्यालय झंझारपुर परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रमुख झंझारपुर सह वार्ड पार्षद राजकुमार मंडल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को आने वाले समय में संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन कार्यों में आम जनमानस को जोड़ने तथा उन्हें मिथिला वाहिनी के उद्देश्य की जानकारी देने पर बल दिया। जिला प्रमुख राजकुमार मंडल ने अभी तक संगठन के द्वारा जिला में किए गए संगठनात्मक कार्यों की जानकारी दी तथा साथ ही बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी रविवार को जिला कार्यकर्ता मिलन से खिचड़ी भोज कार्यक्रम बजरंग बली मंदिर बेलाहारी झंझारपुर परिसर में किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से उस दिन 11 बजे पहुंच कार्यक्रम को उपस्थित अन्य सहयोगी एवं कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया, जिसमें प्रमुख रूप से रामलाल तांती, योगेंद्र मंडल, संजीव कुमार ठाकुर, भरत दास, श्रीवर ठाकुर, रमन जी ठाकुर शामिल थे। झंझारपुर से हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। निर्भर के मान लिया नारा दी हमार सबके कथन ये कि मिथिला पहले से आत्मनिर्भर छे ओकरा कनी हम सब जे बीच में धूल गर्दा मैट लाग रे ओकरा कनी साफ सुथरा करी और मिथिला नारी सशक्तिकरण पहले से मिथिला के नारी सशक्त छे। ए दुआरे मिथिला में सीता जी जन्म लेती परिचय दलखिन ओ धनुष उठा के सबल छलखिन तब ओ धनुष उठेलखिन जिनका तोड़े ले राजा जनक संकल्प लेलखिन जे के वीर हैत हमरा बेटी से विवाह के लिए धनुष के तोड़ तो अठम का मिथिला के नारी सब दिन से सबल तो अई बात के भजा के जे नेता सब खाई ओकरा सब का अंकुश लगाए बात लगा जे हमार सबक माटि पानि के मानि लिए अहाँ सब बेच के मिथिला पेंटिंग विदेश में बिकाइए ओ आप सुनै छी ओकरा आबि गेलैए मशीने से भ जाइ छै कि मशीन वाला कारोबार बंद हुए हाथ से हुए हमरा